नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच वाद विवाद और बढ़ गया है। तूतू मैमे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सड़क छाप भाषा तक का इस्तेमाल हो रहा है। अमर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके पास एक वीडियो टेप है जिसमें आजम खान कथित रूप से कह रहे हैं कि अमर सिंह जैसे आदमी को सड़क पर पीटा जाना चाहिए, उनकी जो पत्नी है उनको पीटा जाना चाहिए और उनकी जो जवान होती बेटियाँ हैं उन पर तेजाब फेंका जाना चाहिए। आजम खान हमारी बेटियों को तेजाब से नहलाने की बात करता है, हमें काटने की बात करता है। मैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के हिंदू समाज को कहूंगा, और अगर इसके लिए मुझे सांप्रदायिकता का तमगा मिलता है तो बेशक मिले। अगर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपने स्वाभिमान से समझौता करना, ऐसी धर्मनिरपेक्षता से मैं कान पकड़ता हूँ। यही तो अमर सिंह आज भड़क गया। आज उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया अरन फनन में और कहा कि जो आजम खान हैं वो राक्षस हैं और मेरे पर वो अवसरवादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अवसरवादी दरअसल वो हैं। उनका उनकी पत्नी राज्यसभा में है आजम खान की, और उनका बेटा विधायक है जो अमर सिंह है। उन्होंने वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो आजम खान जब मंत्री थे सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उनके प्रभार के दौरान ही मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। एक हिंदू लड़की को के साथ क्रूरता के साथ छेड़छाड़ की गई और जो मुस्लिम युवक था उसको बचाया गया, जिसकी परिणति दंगों के रूप में सामने आई। और उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों के दाग लगाते हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए कि मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान प्रभारी मंत्री कौन था। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों में जितने मुसलमान मारे गए थे उससे ज़्यादा मुसलमान मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान मारे गए और उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। अमर सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस लड़के की जो शादी मैंने कराई उसको पढ़ाया लिखाने में मैंने मदद करी और आज वो चुप बैठा है। जब वो मुझे अंकल कहते हैं, अखिलेश यादव मुझे अंकल कहते हैं, तो उस लिहाज से जो मेरी बेटियां हैं वो अखिलेश यादव की बहनें हुई। और रक्षाबंधन के दिन जब आजम खान अमर सिंह की बेटियों के लिए कथित रूप से तेजाब फेंकवाने की बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव चुप रहे। अमर सिंह ने कहा कि जो अखिलेश यादव की चुप्पी है वो सवाल उठाती है और ये दर्शाती है कि वो अपनी बहनों की रक्षा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये सिर्फ यादवों की पार्टी रह गई है, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी रह गई है और ये इसी वोट बैंक के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है, बाकी किसी समाज की इनको चिंता नहीं है। उन्होंने अमर सिंह ने अखिलेश यादव को श्राप तक दे दिया। उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव है मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि वो राजनीति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ तक कि अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आजम खान हैं वो मुलायम सिंह के राजनीतिक दत्तक पुत्र हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को जब मुलायम सिंह यादव बुलाते थे घर पर, उन्होंने कहते थे कि आप पीछे के दरवाजे से आइए वरना रामगोपाल यादव बुरा मान जाएंगे, वरना अखिलेश यादव बुरा मान जाएंगे, वरना आजम खान बुरा मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मित्र को या अपने जो भी राजनीतिक सहयोगी हैं उनसे सामने भी नहीं मिल सकता, वो दर्शाता है कि वो किस तरीके की से पार्टी चला रहा है और किस तरीके से वो अपनी जो जनता है उसको दिग्भ्रमित कर रहा है। बहरहाल आप देखना होगा कि आजम खान क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि अमर सिंह ने आज बड़ा हमला बोला है। अमर सिंह ने जो आजम खान है उनको खिलजी की मोहम्मद गौरी की नस्ल वाला बताया है और कहा है कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो ये नहीं मानते कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमर सिंह जो आजम खान पर आज हमले हुए हैं उस पर इंतजार रहेगा आजम खान की प्रतिक्रिया का। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी का झगड़ा है वो सड़कों पर है एक बार फिर से, और अगर देखा जाए तो इस झगड़े की वजह से ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब दो दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी में, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं 1.5 साल से सड़क पर हूँ। अब आजम खान पर और अखिलेश यादव पर जो अमर सिंह आरोप लगा रहे हैं, क्या वो एक कोई साजिश है या वाकई में समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी झगड़ा है वो सड़कों पर है, आने वाले दिनों में पता चलेगा।